28 साल बाद अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला देने वाली लखनऊ की विशेष कोर्ट के बाहर से कायदा कानून का ये अंक। छह दिसंबर 1992 अयोध्या में कार सेवा के लिए जुटी हजारों लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई और उसने उस ढांचे पर हमला बोल दिया जिसे मुसलमान बाबरी मस्जिद कहते थे, जबकि हिंदू ये दावा करते थे कि वो जगह भगवान राम की असली जन्मभूमि है जिस पर ये विवादित इमारत बलपूर्वक खड़ी कर दी गई थी। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि वो पूरी की पूरी विवादित जगह हिंदुओं को दे दी जाए, वहां पर रामलला का मंदिर बने। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब उस ढांचे को गिराया गया था तो वो बात पूरी तरह से अवैध थी, गैर कानूनी थी, क्योंकि तब उस इमारत के अस्तित्व को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था। किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि इसे गिराकर वहां पर मंदिर बनाया जाना है, बल्कि वो जगह कानून के संरक्षण में थी, अदालत में मुकदमा लंबित था। तब की कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा भी दिया था कि वहां पर यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, लेकिन बड़े नेताओं की मौजूदगी में वहां पर जुटी भीड़ बेकाबू हो गई और उसने ढांचे को गिरा दिया। इस मामले में शुरू में 2 FIR दर्ज हुई, एक वहां के थाना प्रभारी ने दर्ज करवाई और एक वहीं के उसी इलाके के चौकी प्रभारी ने। बाद में कई दूसरे लोगों की शिकायत पर भी FIR दर्ज हुई। इन सभी FIR में ज्यादातर में आरोपी थे हजारों की संख्या में गुमनाम कार सेवक, लेकिन 49 छोटे बड़े नेता भी थे जो आरोपी थे, जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, भीड़ का नेतृत्व किया, वहां पर धार्मिक असहिष्णुता फैलाने वाली उकसाने वाली बातें कही। इन बड़े नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर समेत कई बड़े नाम थे। दिवंगत बाला साहब ठाकरे भी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे। इन सब लोगों पर जो सबसे बड़ा आरोप था वो ये था कि षड्यंत्र भी रचा गया। हालांकि कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये मुकदमा बट बट कर चलता रहा, एक हिस्सा रायबरेली में चलता रहा, एक लखनऊ में चलता रहा, कई तरह की दिक्कतें आई जिसके चलते बहुत ज्यादा तरक्की इसमें नहीं हो पा रही थी। आखिरकार 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया और सभी मुकदमों को एक साथ लखनऊ की विशेष अदालत में चलाने के लिए कहा। इससे पहले बड़े नेताओं के ऊपर वो धाराएं खत्म हो गई थी जिसके चलते आपराधिक साजिश का मामला बनता, यानी IPC 120B 120B का मामला बनता। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी बहाल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के निपटारे की समय सीमा भी तय की, कहा कि जिस दिन से सुनवाई शुरू करे विशेष अदालत उसके 2 साल के भीतर इसे निपटा लिया जाए। 21 मई 2017 को सुनवाई शुरू की थी। जज SK यादव ने, जो कि लखनऊ की विशेष CBI अदालत के जज थे, ऐसे में मई 2019 में यह मामला निपट जाना था, लेकिन अलग अलग वजहों से, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था, इसमें 351 गवाह थे, 32 आरोपी थे जो जीवित थे, 49 कुल आरोपी थे, बड़े नेता, बड़े और छोटे नेता, उनमें से 32 थे जो जीवित थे, तो उनके बयान होने थे, 351 लोगों की गवाही थी, हजारों पन्नों के दस्तावेज थे। ऐसे में मामला मई 2019 तक पूरा नहीं हो पाया। जज को एक्सटेंशन दिया गया, उनसे उनको काम करने के लिए और ज्यादा मौका दिया गया। 30 सितंबर 2019 को उनको रिटायर हो जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया और जज को सेवा विस्तार भी दिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के बार बार रिपोर्ट लेने पर और जानकारी लेने पर एक तारीख तय हुई कि 30 सितंबर 2020 से पहले ये आदेश आ जाएगा। आज वही तारीख थी और जज ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन फैसला दे दिया।
अब जरा ये समझ लेते हैं कि इन नेताओं पर जो 32 जीवित आरोपी थे, इनके ऊपर सबसे बड़े आरोप जो थे वो क्या थे। आईपीसी 153A, 153B, 295A, 505, इस तरह की धाराएं थी जो प्रमुख रूप से लगी थी। और ये सभी धाराएं अलग अलग स्वरूप में भीड़ को उकसाने, सांप्रदायिक आधार पर वैमनस्य फैलाने, हिंसा के लिए प्रेरित करने, धार्मिक विभाजन कराने समाज में, इन चीजों के लिए लगाई जाती है। और इन धाराओं में कुछ मामलों में 3 साल तक की सजा हो सकती है और कुछ में 5 साल तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 2017 में यह भी सुनिश्चित हो गया कि इन सभी लोगों के ऊपर 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की धारा भी लगेगी। तो ये तमाम बातें थी जिन पर फैसला देना था विशेष जज एसके यादव को। 351 लोगों की गवाही हुई, हजारों पन्ने के दस्तावेज यहाँ पर पेश किए गए। ये बातें मैं पहले भी इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जज का निष्कर्ष क्या था उस पर अब हम बात करते हैं। जज ने फैसला 2000 पन्ने का करीब लिखा है लेकिन उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया। वैसे बहुत सारे आरोपी 6 लोग लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास, इस तरह के जो आरोपी थे वो उम्र और स्वास्थ्य के कारणों से मौजूद नहीं हो पाए। 26 लोग यहाँ पर उपस्थित थे फैसला सुनने के लिए। सबको इंतजार था कि फैसला क्या आएगा और फैसला चूंकि काफी बड़ा लिखा गया था ऐसे में कितना समय लगेगा इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जज जब बैठे तो बिल्कुल उनका निष्कर्ष स्पष्ट था। उन्होंने पहली बात कही कि ये पूर्व नियोजित साजिश नहीं लगती, यानी कि पूर्व नियोजित घटना नहीं थी का मतलब ये हुआ कि इसमें षड्यंत्र नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि जो प्रमाण पेश किए गए वो बहुत मजबूत नहीं थे। सीबीआई की तरफ से अखबार की तस्वीरें और रिपोर्ट जो पेश की गई वो प्रमाण नहीं हो सकती है। जो तस्वीरें दिखाई गई कोर्ट को उनका नेगेटिव भी पेश नहीं किया गया ताकि उनकी सत्यता को परखा जा सके। इसके अलावा वहां पर जो नेता मौजूद थे उनके बारे में ज्यादा जानकारी तो ये निकल कर आ रही है कि बड़े नेता भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ को भड़का नहीं रहे थे बल्कि उसे रोक रहे थे कि वो कोई गलत कृत्य न करे वहां पर। इसके अलावा ये भी कोर्ट ने ये माना है कि वहां पर पथराव की एक घटना हुई थी ढांचे के पीछे की तरफ से, इससे भी भीड़ वहां पर भड़की। तो बड़े नेताओं की तरफ से जो दलील दी गई थी कि वहां पर कार सेवक शांतिपूर्वक अपना सांकेतिक कार सेवा कर रहे थे, उनसे ये कहा गया था कि एक हाथ में मिट्टी और एक हाथ में सरयू का जल रखें, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि उनके हाथ व्यस्त रहें और कोई गलत गतिविधि ना हो। इसको भी कोर्ट ने दर्ज किया है अपने फैसले में। लेकिन भीड़ का एक हिस्सा था जो इन बातों से सहमत नहीं था, वो उग्र हुआ और उसका ये परिणाम निकला। तो विशेष जज जो है उन्होंने इन बातों को माना है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई की जांच पर सवाल उठाता है। 28 साल देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने जांच की, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि साजिश की धारा लगे, मुकदमों को क्लब किया जाए आपस में, यानी एक रफ्तार दिखाने की कोशिश की। लेकिन अंतिम परिणाम जो निकला है वहां यही बात निकल कर आ रही है कि जज बिल्कुल आश्वस्त नहीं हुए। सीबीआई ने जो प्रमाण पेश किए, जो गवाहियां पेश की, और उसका नतीजा ये निकला है कि सभी 32 आरोपी जो थे वो अब आरोप मुक्त हो गए हैं, वो बरी हो गए हैं। तो सिविल मामला जो था यानी अयोध्या भूमि विवाद का, वो सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर चुका है। जो आपराधिक मामला था उसमें भी फैसला आ गया है और किसी को भी दोषी नहीं माना गया है। 6 दिसंबर 1992 की घटना के लिए जब विवादित ढांचे को वहां पर गिराया गया था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।